जा रही हूँ वो आपकी स्किन को एकदम बचपन जैसा बना देगा, मतलब एकदम बचपन की तरह सॉफ्ट ग्लोइंग और आपकी स्किन को बहुत ज्यादा लाइटन भी कर देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या करना है, कैसे करना है सब कुछ। लेकिन आज अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं देन हाय, माय नेम इज जूही एंड यू आर वाचिंग जूहीज ब्यूटी क्राफ्ट। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस बॉडी लाइटनिंग पाउडर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बेसन यानी कि ग्राम फ्लोर। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून के आसपास बेसन लिया है। बेसन यानी कि ग्राम फ्लोर या फिर बहुत लोग इसे चिक्की का आटा भी बोलते हैं। उसमें मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून हल्दी यानी कि टर्मरिक। व्हाइट टर्मरिक अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा, वरना किचन वाला हल्दी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने इसमें ऐड किया है 1 टेबलस्पून ऑरेंज पील पाउडर यानी कि संतरे के छिलके का पाउडर। नेक्स्ट हमने ऐड किया है 1 टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी यानी कि फुलर्स अर्थ, आप मार्केट से इसे बहुत इजीली ले सकते हैं। नेक्स्ट हमने ऐड किया है 1 टेबलस्पून राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा। एंड नेक्स्ट हमने इसमें ऐड किया है 1 टेबलस्पून हिबिस्कस पेटल पाउडर। आप मार्केट से खरीद सकते हैं लेकिन इसे मैंने घर पे बनाया है। घर पे हिबिस्कस पाउडर बनाना बहुत ईजी है और घर वाला बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी होता है। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करना है ताकि कोई लम्स ना रहे और इसे एक एयरटाइट कंटेनर में रखना है। तो इसमें जो बेसन हमने मिला है वो हमारी स्किन की टैनिंग को रिमूव करेगा, कोई भी दाग धब्बा अगर आपकी स्किन पे है उसे रिमूव करेगा। एंड नेक्स्ट हमने इसमें ऐड किया है टर्मरिक जो एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल है, जो अगर आपकी बॉडी पे कोई भी रैशेस है उसे रिमूव करेगा। स्पेशली गर्मियों में हमारी बॉडी में रैशेस वगैरह हो जाते हैं तो उसे रिमूव करेगा। नेक्स्ट हमने जो ऑरेंज पील पाउडर इसमें ऐड किया है, ऑरेंज पील पाउडर में होता है विटामिन सी जो स्किन ग्लोइंग के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन सी हमारे स्किन की मेलानिन रिडक्शन को कम करता है और हमारी स्किन को अंदर से निखारता है और बहुत ज्यादा ग्लोइंग बनाता है। नेक्स्ट हमने इसमें ऐड किया है मुल्तानी मिट्टी जो हमारी स्किन से सारे गंदगी को निकाल देगा, स्किन को सॉफ्ट बनाएगा और हमारी स्किन को ऑयल फ्री करेगा। इतना ही नहीं मिट्टी स्किन को भी लाइटन करता है। नेक्स्ट हमने जो चावल का आटा मिलाया है वो हमारी स्किन को टाइटन करेगा, स्क्रबिंग करेगा, सारे डेड स्किन सेल्स को निकाल देगा और जिसकी वजह से आपको इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। अब हमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करना है। आप एक एयरटाइट कंटेनर में अच्छे से स्टोर कर लीजिए और हर रोज आप इसे यूज कीजिए। अब यूज कैसे करना है इसका, आप 1 से 2 टेबलस्पून ले लीजिए, जितना आपकी पूरे फेस और बॉडी के हिसाब से चाहिए होगा उतना आप ले लीजिए। एंड इसमें आप रोज वाटर, दूध, दही आपके पास जब अवेलेबल वही यूज कीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कीजिए एंड फिर आप इसे यूज कीजिए। यूज करने के लिए आपको क्या करना है, आप नहाने जाइए, अपने बॉडी को गीला कर लीजिए। जब आपकी बॉडी हल्की हल्की गीली हो जाएगी तब आप इस बॉडी पाउडर को लेंगे, बॉडी बाथ पाउडर को लेंगे, मैजिकल पाउडर को लेंगे और अपने बॉडी में अच्छे से मसाज करेंगे एंड 2-3 मिनट के लिए अच्छे से मसाज कीजिए, फिर नहा लीजिए। आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लोइंग हो जाएगी। मैंने अपनी फेस और बॉडी के हिसाब से 2 टेबलस्पून लिया है। इसमें हमने राइस फ्लोर मिलाया है इसीलिए आप डेली इसे फेस पे मत यूज कीजिएगा। मैंने आज यहाँ पे रोज वाटर ऐड किया है क्योंकि रोज वाटर सबके पास बहुत इजीली हमेशा मिल जाता है। अगर आपके पास ना हो तो आप दही या फिर दूध भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी होगी। इसे अच्छे से अपनी गीले बॉडी में मसाज कीजिए, फिर नॉर्मल पानी से धो लीजिए। इसे अप्लाई करने के बाद आप मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोकोनट ऑयल यूज करेंगे वो बहुत अच्छा होता है क्योंकि कोकोनट ऑयल हमारे स्किन की पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है। तो इसे अच्छे से अप्लाई कीजिए, 2-3 मिनट के लिए अच्छे से मसाज कीजिए, फिर आप नॉर्मल पानी से नहा लीजिए एंड फिर आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं जिससे आपकी स्किन और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप एक बार बनाइए, थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाइए, ट्राई कीजिए। फर्स्ट डे में ही आपको इतना ज्यादा फर्क दिखेगा कि आप नेक्स्ट डे से जरूर बनाने वाले हो। इसलिए एक दिन बनाइए, अगर आपको पसंद आता है फिर भर भर के बनाइए। इस वीडियो को भी भर भर के लाइक कीजिए। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं मिलती हूं आप लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।